एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से आश्रम में गया, क्योंकि उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में, और उसके मन में आया कि मैं एक बार जाकर के देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ क्यों करते हैं उसकी। तो जब वो उस आश्रम में गया तो वहां पर एक छोटा सा कमरा था जहां पर एक कालीन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे नीचे और साधु जी सामने बैठे हुए थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जैसे ही वो अंदर गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ में चार बॉडीगार्ड्स भी थे, और उसको ये आदत थी कि जहां पर भी वो जाता था लोग अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखते थे, हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साधु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, क्योंकि वो साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन नेता को इस बात पे गुस्सा आ गया। नेता को लगा कि ये मेरी बेइज्जती है। तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काटते हुए थोड़ा गुस्से से कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और बोले, आप थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे लूं, उसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक अगर आप चाहें तो आप बैठ सकते हैं। बस साधु का इतना कहने की देर थी, नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु के ऊपर निकाल दिया। अभी तक वो नेता बहुत ही तमीज से बात कर रहा था, यानी कि आप कह करके बात कर रहा था, अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। नेता ने उस साधु को कहा, तुझे पता भी है मैं कौन हूं और तू किससे बात कर रहा है? साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, लेकिन आप जो कोई भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं या आपसे बात करूं, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु के ये कहते ही नेता गुस्से से पागल हो गया और वही सबके सामने चीखने चिल्लाने लग गया, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर के ठीक नहीं किया, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? साधु ने फिर से उसकी तरफ देखा और बड़े ही प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे वो मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने बोला कि तुझे सुनना चाहता है या नहीं, लेकिन मैं तुझे बताऊंगा यही सबके सामने कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू कोई साधु नहीं है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है, और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उन सबको बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास में आ जाए, तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, तेरा पर्दाफाश करके रहूंगा पूरी दुनिया के सामने। लेकिन उसके इतना बोलने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी ही रही, ये देखकर वो और दिल मिला गया और उसने कहा, अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रुकने वाला, लेकिन अभी भी तेरे पास में मौका है, अगर मुझसे माफी मांगनी है या मुझसे कुछ कहना है तो कह सकता है। इतना सब होने के बाद भी साधु बिल्कुल शांत था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे मन में आपके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं है, जो भी आपने मेरे बारे में कहा वो आपकी अपनी सोच थी, तो मुझे आप में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है, मुझे आप एक बहुत ही भले इंसान लगते हैं। और साधु के इतना कहते ही नेताजी का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस साधु ने वो ही कहा जो बाकी सब लोग उस नेता को कहते हैं, और वो खुशी खुशी उस आश्रम से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपने पिताजी के साथ में बैठ गया। उसके पिताजी की आंखें बंद थी और वो ध्यान में थे। पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ लोगों की सेवा करी और बदले में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा अपने बेटे को अपने साथ बैठे हुए, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी खुशी थी जो आज से पहले उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि आज क्या हुआ, किस तरह से वो आश्रम गया, वहां पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। तो जब इसके पिताजी ने पूरी बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने बेटे को देख करके बोले कि उन्होंने तुम्हारी तारीफ नहीं करी, क्योंकि उन्होंने वो नहीं कहा कि जो तुम हो, उन्होंने वो कहा कि जो वो खुद है, और तुमने जो भी कुछ उनको कहा वो नहीं कहा कि जो वो है, बल्कि तुमने वो कहा जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती है जैसी कि ये दुनिया है, ये दुनिया तुम्हें वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नजर जैसी है उसके लिए ये दुनिया वैसी ही है। तो अगर तुम अपनी दुनिया को बदलना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलो। अभी भी जैसे आपकी लाइफ चल रही है वो कोई सच नहीं है, कहानी मनगढ़ंती है, ऐसी अपनी कोई कहानियां बनाई हुई है कि मैं ये कर नहीं सकता क्योंकि बकवास है वो कहानी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी गई गुजरी सिचुएशन में है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हो ना इस सच को? अभी भी अपनी कहानियां है तो मनगढ़ंती, तो एक नई कहानी बनाओ और अपने इस इमोशनल ब्रेन को बार बार वो कहानी सुनाओ कि देख बेटा अगर इन्हीं ऐसे ही पड़ा रहा तो आने वाले टाइम में ये होगा, फिर ये होगा, जा बेटा एक बार हॉस्पिटल में देख कर क्या 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 हो रहा है लोगों के साथ, चले जाओ हॉस्पिटल में, दिखाओ अपनी इमोशनल ब्रेन को, देख बेटा ऐसे होता है,
ऐसे होता है। और ज्यादा पुश करना है अपनी लिमिट्स को तो शमशान घाट में चले जाओ। तो इमोशनल ब्रेन क्या करेगी, धीरे धीरे आप देखोगे जैसी कहानी बदलेगी, जैसे आपकी इमोशनल ब्रेन उस कहानी को सच मान लेगी, तो केमिकल्स रिलीज होने बंद हो जाएंगे, वहां कुछ और रिलीज होगा एकदम से, डर लगने लग जाएगा यार मैं क्या कर रहा हूं। अगर ऐसी कहानी बना पाओ देन यू आर सुपर इंटेलिजेंट। देखो मैं तीनों को डिफाइन कर देता हूं, बेवकूफी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है और सुपर इंटेलिजेंस क्या है। बेवकूफी क्या है कि जो कहानी जैसी बनी हुई है हमारी लाइफ की उसके हिसाब से लाइफ चलती चली जाए। और वो कहानी बनी कैसे है, वो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की पूरी दुनिया है, उन्होंने आपके माइंड में कुछ कहानियां बना दी है जो उनके लिए फायदेमंद है। तो वो कहानी किसकी, दुनिया की, और दुनिया की कहानी आपकी लाइफ को चला रही है। ये सफोकेटिंग होता है बिकॉज यू आर नॉट इन कंट्रोल। बिल्कुल ऐसा है जैसे आपकी लाइफ की बोट को कोई और चला रहा है और आप जाना नहीं चाहते वहां पे, लेकिन वो जा रही है। ये हो गया सबसे बेवकूफों वाला तरीका लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका जो इससे बेटर है वो क्या है कि आप एक नई कहानी बनाओ बेस्ड अपॉन कि क्या होने वाला है, जिसको ड्रीम्स बोलते हैं, कि अगर मैं ये नहीं करके ये करता हूं तो आने वाले 2 साल बाद 5 साल बाद ये हो जाएगा। ये उससे बेटर है लेकिन स्टिल इतनी बढ़िया कहानी नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल हो। एक तीसरी कहानी है जो बड़ी कमाल की है, विच इज दी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वो क्या है कि आप एक ऐसी कहानी बना दो जिसमें कि जो काम आप करना चाहते हो, जो आपको अंदर से पता है कि आपके लिए करना सही, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ जिसकी हमने बात करी, तो एक ऐसी कहानी हो कि उस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो करना पड़ेगा उसमें आपको मजा आने लग जाए। दोनों में फर्क समझ आया। एक कहानी है कि आप कुछ भी ना करो हेल्थ के लिए, द लोएस्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो अपने आप ही हेल्थ खराब होती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड की आदत पड़ी है तो जंक फूड खाए चले जाए, कुछ नहीं करने की आदत पड़ी है तो कुछ नहीं कर रहे हो। ये तो सबसे बेवकूफों वाला तरीका हो गया लाइफ को जीने का। दूसरा तरीका क्या है, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं कि शीशे में देखते हो अच्छा नहीं लगता है, बुरा फील होता है, तो आपने पोस्टर लगा दिया उस शीशे के सामने किसी और का, क्या मुझे ऐसी बॉडी चाहिए अगले 1 साल के अंदर अंदर, समझ गए कि उससे बेटर है, क्योंकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन इतना समझदारों वाली कहानी नहीं है क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप 2-3 महीने कुछ करोगे और रिजल्ट नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। ये कह लो जबरदस्ती अपने आप को पुश करना, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग है, बल्कि जबरदस्ती अपने आप को पुश करना पड़ेगा, यानी कि लड़ना पड़ेगा अपनी इमोशनल ब्रेन से। इस केस में लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इमोशनल ब्रेन को ये तो चाहिए जो 2 साल बाद होने वाला है, लेकिन 2 साल तक जो करना पड़ेगा दिन 1 घंटा वो नहीं चाहिए। तो इमोशनल ब्रेन से आप लड़ ही नहीं सकते। इमोशनल ब्रेन बार बार उसको छोड़ करके 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना मैक्सिमम आप जिम गए भी, फिर छोड़ करके वापस वहीं आ जाओगे काउच के ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे मजा ज्यादा आ रहा है। समझिए ना, बच्चा वहीं आ जाएगा जो बच्चा चाहता है, क्योंकि बच्चा क्या कहेगा 2 साल बाद क्या होने वाला है, वो समझता ही नहीं है बच्चा। तो बच्चे को उसकी थोड़ी बड़ी है 2 साल बाद क्या होने वाला है, बच्चे को देखो अभी मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं करना। मतलब ये लड़ाई हो गई, भयानक लड़ाई। अब सबसे समझदार वाला तरीका कौन सा है, द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ अचीविंग, जिसमें अपने आप ही गोल अचीव हो जाएंगे सारे, पता भी नहीं लगेगा। कि वो बॉडी को बनाने के लिए जो करना पड़ेगा, आपने प्लान ऐसा बना दिया कि डेली आपको 1 घंटे में इतना मजा आना चाहिए वो करने में जितना बाकी 23 घंटे में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में आना चाहिए आपकी इमोशनल ब्रेन को, मतलब करते करते ऐसा होना चाहिए कि दिस इज लाइफ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा तो शुरू में बोलना शुरू कर दो, कैसा लगा करने के बाद, मजा आया, करते वक्त मजा आया, समझे। तो अगर ये झूठ आप बोलते रहे कुछ दिन तक तो क्या होगा, आपको करने में मजा आने लग गया। अब वो करते रहोगे मान लो 6 महीने साल 2 साल 3 साल 5 साल क्या होगा, रिजल्ट तो आना ही आना है। तो रिजल्ट में भी मजा आएगा, करने में भी मजा आएगा, आदत भी बन गई है और प्लस इमोशनल ब्रेन भी आपके साथ चल रही है, आपको अगेंस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। अब ये इमोशनल ब्रेन ये आप पे हावी हो जाएगी, वो आपको पुश करेगी बार बार करने के लिए। दिस इज द मोस्ट इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग लाइफ।